आज तारीख हो चुकी है 19 नवंबर। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी अवेलेबल टीमों को लेकर, क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा, तो काफी इंटरेस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी 8 बड़ी खबरों की, तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है आईपीएल ऑक्शन को लेकर। दरअसल आईपीएल 2023 के ऑक्शन के लिए कल 2 और खिलाड़ियों ने अपने आप को रजिस्टर किया, जहां पर इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मलान ने, इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के यहां पर ऑलराउंडर कैमरॉन ग्रीन ने कल अपने आप को ऑक्शन के लिए रजिस्टर कर दिया, जहां पर डेविड मलान ने यहां पर 2 दिन पहले ही 134 रन की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ काफी विस्फोटक पारी खेली है, तो इनका ऑक्शन में बिकना अब ऑलमोस्ट यहां पर कंफर्म दिख रहा। और कैमरॉन ग्रीन को यहां पर पैट कमिंस ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया के नए कप्तान बने, इन्होंने यहां पर ऑक्शन में आने से रोकने की काफी कोशिश करी, लेकिन कैमरॉन ग्रीन ने इस साल ऑक्शन में यहां पर ना जाने से मना कर दिया। कैमरॉन ग्रीन ऑक्शन का अब भाग बन रहे, इन दोनों खिलाड़ियों ने ऑक्शन में नाम दे दिया। इससे पहले सैम करन और बेन स्टोक्स भी ऑक्शन में नाम दे चुका। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर इन खिलाड़ियों की क्या प्राइस ऑक्शन में जाएगी, कौन सी टीम कितने करोड़ तक आखिर इनको परचेस करेगी। अब बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की, तो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है वाती एबी डिविलियर्स की तरफ से। दरअसल एबी डिविलियर्स ने आरसीबी की टीम को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, जहां पर इनके स्टेटमेंट को लेकर सोशल मीडिया पर कल से इनको काफी अधिक ट्रोल किया जा रहा है, जहां पर एबी डिविलियर्स ने यह बताया कि अगर आरसीबी की टीम अगले आईपीएल एडिशन में यहां पर आईपीएल खिताब जीत जाती है तो आरसीबी के पास यहां पर वो पोटेंशियल है कि यह टीम आने वाले 3-4 सालों तक लगातार आईपीएल खिताब जीत सकती है। जिस प्रकार से मुंबई ने केवल 5-6 सालों में यहां पर 4-5 आईपीएल खिताब जीत लिए थे, केवल 7-8 साल में 5 IPL किताब मुंबई ने लगातार जीत लिया था, तो उस प्रकार से एबी डिविलियर्स ने बताया कि आरसीबी की टीम भी अगर अगला आईपीएल एडिशन जीत जाती है तो इनके पास जिस प्रकार की टीम है उस टीम से ये टीम यहां पर आने वाले 3-4 सालों में 3-4 IPL किताब जीत सकती है। आप कमेंट करके बताइए आप एबी डिविलियर्स की आखिर बात से सहमत या फिर आप बात से एग्री हो या फिर नहीं। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर तीसरी बड़ी खबर की, तो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है सुरेश रैना की तरफ से। दरअसल सुरेश रैना दुबई में होने वाले T10 लीग का भाग बनेंगे, जहां पर इसी वजह से यहाँ पर आईपीएल से पहले ही दूर हो चुके थे। इसके साथ ही इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट से भी इन्होंने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी थी, विदेशी लीग खेलना चाहते हो यहाँ पर दुबई T10 लीग के लिए अब इन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। आप अपनी स्क्रीन पर इनकी फोटोज और वीडियोज यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो सुरेश रैना अब यहाँ पर अगले महीने या फिर ऑलमोस्ट जनवरी में शुरू होने वाली T10 लीग हमें यहाँ पर दुबई में अब खेलते हुए दिखेंगे। अब बात कर लेते हैं चौथी बड़ी खबर की, तो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है भारत न्यूजीलैंड के पहले यहाँ पर T20 मुकाबले को लेकर। दरअसल बारिश की वजह से यहाँ पर भारत न्यूजीलैंड का पहला T20 मुकाबला बिना कोई बॉल फेंके यहाँ पर कंप्लीटली वॉश आउट हो गया, तो यहाँ पर पहले मुकाबले का कोई भी रिजल्ट नहीं रहा है। लेकिन कल यहाँ पर दोबारा से हमें दूसरा T20 मुकाबला देखने को मिलेगा, कल दोपहर 12 बजे हमें दूसरा T20 मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि DD Sports पर आप TV में लाइव देख सकते हो, मोबाइल में आप Amazon Prime पर आप लाइव देख सकते हो। तो अब यहाँ पर कल दूसरा T20 मुकाबला होगा, आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर कल भारतीय टीम न्यूजीलैंड को हराकर सीरीज में 0-1 से यहाँ पर बढ़त ले पाएगी या फिर नहीं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पांचवी बड़ी खबर की, तो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है आईपीएल 2023 के ऑक्शन के लिए टारगेट प्लेयर्स को लेकर। दरअसल आईपीएल 2023 के ऑक्शन में कौन सी टीम कौन से प्लेयर को टारगेट करेगी, कौन सी टीम को आखिर क्या रिक्वायरमेंट है, इस टॉपिक पर आज हमारे यूट्यूब चैनल पर एक डिटेल्ड वीडियो आएगी, जिसमें आपको सभी टीमों के टारगेट प्लेयर्स बताए जाएंगे, कंबाइंड सभी टीमों के आपको टारगेट प्लेयर्स पता चलेंगे। तो आप वीडियो लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर ले, ताकि वहां पर आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी सारी खबरें वैसे भी आपको सबसे पहले मिल जाए। आप कमेंट करके बताइए आप कौन सी टीम के टारगेट प्लेयर्स जानने के लिए सबसे अधिक एक्साइटेड हो, आज कौन सी टीम के आप टारगेट प्लेयर्स का यहां पर वेट कर रहे हो। आप कमेंट बॉक्स में अपनी फेवरेट टीम का नाम आप लिखकर कमेंट बॉक्स को भर दे, आप अपनी फेवरेट टीम का नाम कमेंट करें, आप कमेंट बॉक्स में जितने हो सके उतनी बार कमेंट करें, तो अपनी फेवरेट टीम का नाम आप कमेंट जरूर करें। अब बात कर लेते हैं छठी बड़ी खबर की, तो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है BCCI की तरफ से। दरअसल वर्ल्ड कप की हार के बाद BCCI ने कल यहाँ पर सभी सेलेक्टर्स को अब यहाँ पर पोस्ट से हटा दिया, जहाँ पर चेतन शर्मा की जो यहाँ पर सेलेक्टर्स की कमेटी, उस कमेटी को अब BCCI ने कम्प्लीटली रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर सेलेक्टर को BCCI ने हटाकर अब सेलेक्टर के नए पोस्ट के लिए अब BCCI ने एप्लीकेशन निकाल दिया, तो अब यहाँ पर जल्द ही हमें नए सेलेक्टर्स की अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी। अब BCCI यहाँ पर नए सेलेक्टर्स को अब यहाँ पर अनाउंस करेगा, तो कुल मिलाकर अब यहाँ पर टीम इंडिया में हमें नए सेलेक्टर्स देखने को मिलेंगे। और अब यहाँ पर जनवरी से जो
यहाँ पर नई टीम इंडिया की सीरीज होगी, उन सभी सीरीज में अब नई सेलेक्टर्स द्वारा यहाँ पर टीमें सेलेक्ट करी जाएगी। तो जनवरी से यहाँ पर नए सेलेक्टर्स द्वारा नई टीमें हमें देखने को मिलेगी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर किसे आप बीसीसीआई का नया सेलेक्टर बनाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सातवीं बड़ी खबर की, तो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। दरअसल चेन्नई के लिए बड़ी कुछ खबर है कि इस टीम के यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर सुरेश रैना अब दोबारा से इस टीम में कम बैक कर रहे हैं। हालांकि प्लेयर के तौर पर नहीं बल्कि मेंटोर के तौर पर अब रैना चेन्नई में कम बैक कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इस बात की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन जल्दी इस बात की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी और सुरेश रैना अब मेंटोर के तौर पर हमें चेन्नई की टीम में दिखेंगे। ये बात पूरी तरीके से कन्फर्म हो चुकी है। तो सुरेश रैना अब आईपीएल 2023 के एडिशन में हमें मेंटोर के तौर पर चेन्नई के साथ अब दिखने वाले। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग चेन्नई की मैनेजमेंट का ये सही फैसला है या फिर नहीं। अब हम बात कर लेते हैं आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की, तो जो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है नए सेलेक्टर्स को लेकर। दरअसल बीसीसीआई नए सेलेक्टर्स के लिए मोस्ट लाइकली यहाँ पर सचिन तेंदुलकर या फिर कपिल देव में से अब किसी एक को सेलेक्ट करेगा। तो या तो सचिन तेंदुलकर या फिर कपिल देव, इन दो में से कोई एक अब बीसीसीआई का यहाँ पर नया सेलेक्टर बनेगा, नई सेलेक्टर कमेटी का अब हेड बनेगा। आप कमेंट करके बताइए आप इन दोनों में से आखिर किसे नए सेलेक्टर के रूप में देखना चाहते हो। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।